नमस्कार, स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोंडा में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर पुलिस अधीक्षक गोंडा राज रंजन नैयर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद गोंडा में शांति व कानून व्यवस्था को लिए भारी सैनिक पुलिस बल आवंटित किया गया है। अर्धसैनिक पुलिस बल PAC के साथ संवेदनशील स्थानों पर सतर्क नजर रखी जा रही है। सभी धर्मों के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर उनसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने व जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की गई है। और त्योहारों के समय निंदूरा गांव में हमारी पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। इसके अलावा कटरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहराइच बॉर्डर में एक नई पुलिस चौकी आने वाले एक सप्ताह में चालू कर देंगे, जिससे हम उन सब इलाकों में अच्छी नजर रख सकें और उन सब इलाकों में किसी को भी सुरक्षा शांति व्यवस्था भंग करने की अपॉर्चुनिटी ना रहे। इसके अलावा एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि जैसे जैसे जजमेंट निकट आ रहा है, इस समय अगर किसी भी तरह की डिस्ट्रेस कॉल 100 नंबर या 112 नंबर पे कोई फोन करके बताता है किसी भी तरह का, किसी को कोई भय महसूस होता है, तो निश्चिंत होकर के 100 या 112 नंबर पे कॉल कर सकता है और उनकी जो भी होगी उसके लिए हम तुरंत से तुरंत उन तक पुलिस उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए हमारा एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो इसको मॉनिटर करेगा। और इसके साथ ही हमारी जो PRV की गाड़ियां हैं 100 नंबर की, उनको इस तरीके से रीरूट कर दिया गया है कि किसी भी ऐसे स्थल में जो कि मिश्रित आबादी से हो या कोई ऐसा स्थल जहां पे हमको लगे कि यहां पे से संभावना है हमें डिस्ट्रेस कॉल आने की, तो वह गाड़ी जल्दी वहां पहुंच सके। और मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर हमारी